तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। नहीं प्रकाश की माँ, मत जा। इतनी दूर तक मेरा साथ दिया है, दो घड़ियों साथ रह दोगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं अभी डॉक्टर को लेके आती हूँ। मधु चल बड़ी मेरे साथ। तो क्या ये सच है कि रंजीत ने इनकम टैक्स वालों को खबर दी? लेकिन सेठ जी, इसमें रंजीत बाबू का क्या कसूर? कसूर तो उन कंगलों के खानदान का है जिन्होंने आपके बेटे पर जादू कर रखा है। मकान तो छुड़ा ही लिया, अब उनकी नजर आपकी दौलत पर है। मैं उस खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा, उस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। चलो। आज भी कुछ पता नहीं चला? नहीं मौसी, शहर का कोना कोना छान मारा, कुछ नहीं पता चला। मैं डॉक्टर को ले आई हूँ प्रकाश के पिता। डॉक्टर साहब घबराओ नहीं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थोड़े दिन में गीता भी आने वाली है, बहादुर भी आ जाएगा, फिर हम लोग एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। बहन, मौत से जिंदगी की बात कर रही हो? लाला जी तो हम सब को छोड़ के चले गए। तुमने मेरा जरा भी इंतजार नहीं किया, पूरा वक्त आया तो तुम भी साथ छोड़कर चले गए। बहन, आखिरी वक्त उनके हाथ में ये चिट्ठी थी। लाजो, मुझे माफ कर देना, जिंदगी भर सिर्फ कोशिश ही करता रहा कि तुम्हारी झोली में चंद खुशियां डाल सकूं, मगर सिवाय दुखों के तुम्हें और कुछ नहीं दे सका। मैं नहीं चाहता कि इस बेदर्द दुनिया के अंधेरों में तुम भटकती रहो, ठोकरें खाती रहो। मेरी आंखें तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस ला सकती हैं, इन्हें अपना लेना। मुझे यकीन है तुम अपने इस बदनसीब पति की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करोगी। ये तुमने मुझे किस दुविधा में डाल दिया प्रकाश के पिता? मैं दुनिया देखना नहीं चाहती, ये दुनिया देखने के लायक भी तो नहीं। ये दुनिया को क्या हुआ राजू, क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया बहादुर। अब कुछ नहीं रहा, कुछ भी तो नहीं रहा बहादुर। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है।
रही साड़ी की बात, अगर अगली दिवाली पर अपनी बहन को बनारसी साड़ी पहनाकर दुल्हन बनाकर आपके साथ खड़ा ना कर दूं, तो मेरा नाम बजरंग बहादुर नहीं। से बच्चे के लिए इतनी जल्दी इतना प्यार हो गया तुम्हें, इस नन्ही सी जान के लिए तड़प रहे हो, लेकिन कभी यह भी सोचा तुमने कि जिन माँ बाप ने 25 बरस तक तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो भी तेरे लिए कितना तड़पे होंगे? प्रकाश, अब मैं तुम दोनों को तड़पाऊंगा, तुम दोनों को तड़पाऊंगा। मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तू अपने बच्चे के बिना जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन कभी यह भी सोचा तूने कि वो बदनसीब माँ बाप कैसे जिंदा रहे होंगे जिनका यह बच्चा तूने उनसे छीन लिया? तुझे अपना बच्चा चाहिए तो ला मेरी बहन की आंखें, वापस कर मेरी विधवा बहन का शोहर। मामा बहादुर, मुन्ने को दे दे। नहीं, मुन्ने को दे दे बहादुर। तू बीच में मत आ जाओ। मुन्ना दे दे बहादुर, तुझे मेरी कसम। नहीं, तुझे अपने जीजाजी की कसम। गीता को छोड़ दो। माफ कीजिए रंजीत बाबू, आज आपको छोड़कर इन सब का आखिरी दिन है। पहला नंबर 13। जय पशुपति नाथ। Thank you.
चोट नहीं आई ना? ठीक है ना मुन्ना? वारे माँ का दिल। ठीक किसी तरह एक माँ का इकलौता बेटा किसी लड़की के प्यार में दीवाना हो गया। एक दिन लड़की ने उससे कहा, अगर तुझे मुझसे सच्चा प्यार है तो जा, अपनी माँ का दिल लेकर आ। मूर्ख बेटे ने माँ का दिल निकाला, बेतहाशा लड़की की तरफ भागा, रास्ते में ठोकर लगी, लड़का गिर पड़ा। माँ के दिल से आवाज आई, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? प्रकाश के पिता, तुम ठीक कहा करते थे। अगर सुबह का फूला शाम को घर आ जाए तो उसे फूला नहीं कहते। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया, आंखें बिल्कुल ठीक ढंग से लग गई। थैंक यू डॉक्टर साहब। जय पशुपतिनाथ। प्रकाश के पिता, जो दिन देखने के लिए तुम जिंदा थे वो दिन आज आ गया है, मगर तुम नहीं हो। बस मन को एक ही शांति है, ये हरा भरा परिवार, ये फिर से बसा हुआ घर, मैं तुम्हारी आंखों से देख रही हूँ। अरे राम परमात्मा, भाई बनने चले थे दो नंबर के अमीर, बन गए एक नंबर के फकीर। अरे आओ भाई रंजीत गीता, मुबारक हो, हार्टी कांग्रेचुलेशन बाबा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं वादा करता हूँ आइंदा आठ नंबर के पाँव के लिए छह नंबर का जूता मंगवाने की गलती कभी नहीं करूंगा बेटी। उस्ताद जल्दी करो, अगर हवाई जहाज छूट गया तो हनीमून पेरिस के बजाय टेरिस में मनाना पड़ेगा।